बच्चों, देखो बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको वो है स्टैन ऑन इंडियाज फॉरहेड, स्टैन ऑन इंडियाज फॉरहेड। लेकिन इस पर मत जाना अभी, आप पिछले वाले चैप्टर पे आना, द हेरिटेज ऑफ इंडिया जो है उसमें बच्चों, ये जो आप देख रहे हो द हेरिटेज ऑफ इंडिया, इसमें पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ पहले पेज पर देखना, और जो अंतिम पैराग्राफ है जो टूडे से स्टार्ट हो रहा है, देखना आप, टूडे देयर आर फ्यू इंडियंस, ऐसा कुछ है इसमें। क्या बच्चों, एक लाइन है, उसको आप दोबारा देखना, क्योंकि एक्चुअली आई कुडंट ट्रांसलेट दैट लाइन एग्जैक्टली। तो आपको ये देखना, ये जो ऑलरेडी वाला है, यहां से एक लाइन आ रही है, देखो, ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ओनली आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के केवल 7 वर्ष पश्चात, आफ्टर इन पश्चात होता है, आजादी के जो 7 वर्ष पश्चात, द एक्सट्रीम्स, मैंने कहा था एक्सट्रीम यानी छोर होता है, डू यू रिमेंबर, छोर का मतलब बच्चों को अंतिम सीमा होती है, जिसको आप क्लाइमेक्स कहते हैं हिंदी में, जिसको चरम सीमा कहते हैं, चरम सीमा, द एक्सट्रीम्स ऑफ सेल्फ डिनाइग्रेशन, सेल्फ यानी आत्मा होता है और डिनाइग्रेशन का मतलब विनाश होता है। तो ऑलरेडी द एक्सट्रीम्स और द एक्सट्रीमिटीज और द क्लाइमेक्स ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, यानी आत्म विनाश की जो चरम सीमाएं हैं, क्या है, यानी पहले से ही आजादी की केवल 7 वर्षों पश्चात ही आत्म विनाश तथा आत्मविनाश की चरम सीमाएं तथा एडफेरेटिकल कल्चरल चोविनिज्म। ये बच्चों जो चोविनिज्म शब्द है, इसका मीनिंग मैंने आपको मोह बताया था, मोह, डू यू रिमेंबर, मोह का मतलब दरअसल ये है, आवश्यकता से ज्यादा जो देशभक्ति है, आपको देशभक्त होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, यू शुड बी, यू ओट टू बी अ पेट्रियोट, तुमको एक पेट्रियोट होना चाहिए, ओट टू बोला मैंने, इट इज योर मॉरल ड्यूटी, ये आपका नैतिक कर्तव्य है, दैट यू ओट टू बी पेट्रियोट, आपको पेट्रियोट होना चाहिए। पेट्रियोट जानते हैं बच्चों कौन होता है? पेट्रियोट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने वतन से बहुत प्यार करता है। पेट्रियोट इज ए पर्सन हु लव्स वंस कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश को बहुत प्यार करता है, उसको देशभक्त कहते हैं हिंदी में, देश प्रेमी कहते हैं। महाराणा प्रताप वॉज ए ग्रेट पेट्रियोट, महाराणा प्रताप क्या थे, एक महान देशभक्त थे, छत्रपति शिवाजी द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, ही वॉज ऑल्सो ए ग्रेट लवर ऑफ हिज नेशन, वो भी अपने राष्ट्र के बड़े प्रेमी थे, इट मीन्स ही वॉज ऑल्सो ए ग्रेट पेट्रियॉट, वो भी एक महान पेट्रियॉट थे। गुरु गोविंद सिंह के बारे में आपने जरूर सुना होगा, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेट्रियॉट्स, वो भी महानतम देशभक्तों में से एक थे। और बच्चों, ये सबक लेने वाली बात है, अंग्रेज तो आप पढ़ ही रहे हैं और ये जो सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस मैं आपको पढ़ा रहा हूं, परंतु जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि हमको भी देशभक्त होना चाहिए। वी ओट टू लव वंस कंट्री, एक आदमी को अपने वतन से प्यार करना चाहिए, क्योंकि पंडित नेहरू की वो लाइन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखी उन्होंने कि हु डाइज इफ इंडिया लिव्स, अगर हिंदुस्तान जिंदा है तो कौन मरता है, नोबडी डाइज, कोई नहीं मरता है। उसी तरीके से हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, और अगर हिंदुस्तान ही मर गया तो फिर कौन जिंदा रहेगा। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि देश पहले है, कंट्री इज प्राइम, नेशन इज प्राइम, द ग्रेट मदर इज प्राइम, हमारी जो भारत माता वो पहले है, एंड वी ऑल आर सेकेंडरी, वी आर नॉट प्राइमरी, वी आर सेकेंडरी, हम द्वितीय के हम गौण हैं, हमारा अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता है, परंतु हमारे वतन का, हमारे देश का, हमारे मुल्क का, हमारी मातृभूमि, हमारी जो ग्रेट मदर है, हमारी जो मदरलैंड है, उनकी जो सुरक्षा है, उसकी जो हिफाजत है, वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है, बल्कि हमारे प्राणों से भी ज्यादा हमको हमारी मातृभूमि प्रिय होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो मैं दूसरी बात बता रहा था आपको कि ये जो शब्द आया है चोविनिज्म, इसका मीनिंग मैंने आपको मोह बताया था। तो मोह का मतलब क्या होता है बच्चों? दरअसल क्या है कि जब आपकी देशभक्ति आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि अति सर्वत्र वर्जयते, अति तो हर जगह मना है, भोजन अच्छी चीज है पर ज्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा। उसी तरीके से हम कहते हैं कि अति का बलान बोलना, अति की बलि न चूप, और अति का बलान प्रश्ना, अति की बलि न धूप। इसका मतलब यह हुआ कि अति से तो अमृत भी विष बन जाता है। इसलिए जो देशभक्ति है, जिसको इसमें जो शब्द आया है, वो आया है चोविज्म। चोविज्म शब्द जो है उसका मीनिंग है बच्चों मोह है। मोह दरअसल क्या है? मोह का मतलब प्यार, अपने देश से प्यार करना चाहिए, लेकिन प्यार जब अपनी सीमाओं को पार करके कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए तो आप कट्टर बन जाते हैं, यू बिकम फैनेटिक, आप कट्टर बन जाते हैं, और उसको कहा जाता है चोविनिज्म। तो देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें यह लिखा हुआ है कि आजादी के
आजादी के केवल 7 वर्षों पश्चात ही आत्म विनाश तथा फैनेटिकल मानी कट्टर या उन्मादपूर्ण सांस्कृतिक आवश्यकता से अधिक जो देशभक्ति है उसकी चरम सीमाएं और ऑलरेडी डिसअपियरिंग अर्थात वे सीमाएं पहले से गायब हो रही है। यानी आवश्यकता से अधिक देशभक्ति की जो सीमाएं हैं, आवश्यकता से अधिक देशभक्ति की जो चरम सीमाएं हैं वो क्या हो रहा है, आवश्यकता से अधिक देशभक्ति की चरम सीमाएं मतलब उन्मादपूर्ण सांस्कृतिक आवश्यकता से अधिक देशभक्ति तथा आत्म विनाश की जो चरम सीमाएं हैं वो स्वतंत्रता के ठीक 7 वर्ष पश्चात ही क्या हो रहा है, पहले से डिसअपियर हो रही है, वैनिशिंग, वैनिश का मतलब गायब हो रही है। ओके बच्चों, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। ओके नेक्स्ट पे आ जाओ। स्टैंड ऑन इंडियाज फोरहेड, भारत माता के माथे पर एक कलंक, भारत माता के माथे पर एक कलंक, कलंक का मतलब दाग है। तो यह बताया है स्टैन, जैसे ब्लड स्टैन होता है खून का धब्बा, तो भारत माता के माथे पर एक धब्बा, भारत माता के माथे के ऊपर एक कलंक का टीका, या भारत माता के माथे के ऊपर कलंक का एक दाग। ओके बच्चों, देखो बच्चों एक बात यहां देखें आप, जो इंडिया शब्द आ रहा है, इंडिया दरअसल इंडिया तो निर्जीव है, इंडिया तो निर्जीव है क्योंकि देश है तो है ना, और जो निर्जीव होता है उसके अंत में आप अपोस्ट्रोफी लगा करके एस नहीं लगाते हो बल्कि ऑफ का प्रयोग करते हो। जैसे मैं आपको यह कहना चाहूंगी राजस्थान का विश्वविद्यालय, तब मुझे यह नहीं कहना चाहिए देखो ये राजस्थान्स, राजस्थान्स यूनिवर्सिटी, अगर मैंने ऐसा लिखा बच्चों तो ये मैंने गलत लिखा। आपको इसको यूं करना चाहिए, इसको यूनिवर्सिटी को इधर लाओ, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, दिस इज द करेक्ट ट्रांसलेशन। उसका कारण क्या है बच्चों, ये जो राजस्थान है ना ये नॉन लिविंग है, ये निर्जीव है, और अपोस्ट्रोफी एस जो होता है उसका प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए आप करते हो, परंतु मनुष्यों के साथ करते हो, किनके साथ करते हो, मनुष्यों के साथ। तो आपको पता राजस्थान तो कोई मनुष्य नहीं है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान आना चाहिए। बात समझ में आ रही है। मैं अगर आपको ये कहना चाहूं कि युद्ध का मैदान, तो मैं कहूंगा द फील्ड ऑफ बैटल, मैं इसे नहीं कहूंगा बैटल्स फील्ड, बैटल्स फील्ड नहीं कहूंगा मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा द फील्ड ऑफ बैटल, द फील्ड ऑफ बैटल, क्योंकि जो बैटल है यानी जो युद्ध है वो कोई मनुष्य नहीं है, युद्ध कोई मनुष्य नहीं है, युद्ध तो निर्जीव है। तो जो निर्जीव हैं तथा जो जानवर हैं, ठीक है, नॉन लिविंग एंड एनिमल्स, उनके साथ में आपको जनरली अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि किसके साथ करना चाहिए, मनुष्यों के साथ करना चाहिए, मनुष्यों के साथ। ओके बच्चों, तो आपने देखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान लिखा आपने, एक दूसरा शब्द देखो बच्चों, महाराजा, ये आ गया महाराजा, ये कोमा, महाराजाज कॉलेज, क्या बोला मैंने, महाराजाज कॉलेज। आप जानते हो महाराजा तो मनुष्य होता है, महाराजा तो मनुष्य होता है, इसलिए मैंने अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया और बिल्कुल सही किया। देन व्हाट अबाउट दिस, फिर ये क्या है, ये दरअसल क्या है बच्चों, हमारे जो पोएम्स और जो लिटरेचर, जो लिटरेचर है उसमें एक शब्द चलता है पर्सोनिफिकेशन, देखना आप क्या बोल दिया मैंने, पर्सोनिफिकेशन का मतलब हिंदी में कहते हैं मानवीकरण, क्या बोला मैंने, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब यह हुआ कि जब कोई निर्जीव चीज है, ध्यान सुनना, कोई निर्जीव वस्तु है और आप उसका बखान कुछ इस प्रकार से करते हैं कि उसके ऊपर जो सजीव व्यक्ति है या जो मनुष्य है उस मनुष्य के क्रिया व्यापारों का उस पर आप आरोप करते हैं, सजीव नहीं बल्कि केवल मनुष्य, इसीलिए तो मानवीकरण कहलाए। जब आप किसी निर्जीव वस्तु के ऊपर या किसी निर्जीव भाव के ऊपर किसी मनुष्य के, मानव के क्रिया व्यापारों का आरोप करते हैं, तो इस तरीके का जो फिगर ऑफ स्पीच बनता है, ऐसा जो अलंकार बनता है, उसको हिंदी में मानवीकरण तथा अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में पर्सनिफिकेशन कहते हैं। लता का एक बहुत प्रसिद्ध गाना है जो लता ने गाया है, और हमारे जो राजस्थान के प्रसिद्ध कवि हैं जिनका नाम है कवि प्रदीप, उन्होंने लिखा है, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, उसमें एक लाइन है बच्चों की, जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। यहां आप ये देखते हैं कि हिमालय तो घायल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हिमालय तो पत्थरों से बना हुआ है, उसके ऊपर आप चाहे कितने ही तोपे, कितने ही बॉम्ब, कितने ही जो है प्रहार करो, बट द हिमालयाज कैन नेवर बी इंजर्ड, लेकिन हिमालय तो कभी घायल नहीं हो सकता है। यहां आपने क्या देखा कि जो हिमालय है उसका मानवीकरण किया गया है,
और ये कहा गया कि जब देश के ऊपर गद्दारों ने हमला किया और जब हिमालय घायल हो गया, जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक तीस सांस लड़ी हो फिर अपनी लाश बिचारी। तो आप समझ गए होंगे मानवीकरण क्या है। यहां बच्चों जो इंडिया है उसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है, या भारत का मानवीकरण किया गया है, या भारत को भारत देश के रूप में नहीं बल्कि भारत माता के रूप में माना गया है, इसलिए यहां पर अपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है, अन्यथा तो क्या आना चाहिए था, ए स्टैंड ऑन इंडिया फॉरहेड की जगह आना चाहिए था, ए स्टैंड ऑन द फॉरहेड ऑफ इंडिया, ए स्टैंड ऑन द फॉरहेड ऑफ इंडिया। लेकिन यहां इंडिया इज नॉट मेयरली ए कंट्री, या इंडिया को कंट्री नहीं माना है, बल्कि इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेट मदर ऑफ द इंडियंस। बल्कि जो भारत के लोग हैं, इस देश के जो लोग हैं, भरतखंड के लोग हैं, उनकी माता के रूप में इस देश को चित्रित किया गया है। ये महात्मा गांधी का लिखा हुआ पार्ट है। इसलिए बच्चों यहां इंडिया का पर्सोनिफिकेशन होने के कारण ऑफ का प्रयोग नहीं करके संबंध को प्रदर्शित करने के लिए निर्जीव के साथ भी पर्सोनिफिकेशन के कारण हम क्या कर रहे हैं, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करें। स्टेन जानते हैं दब्बा, देखो फोर का बताया था, फोर मानी आगे वाला पार्ट, जैसे फोर लेग्स आगे वाली टांगे, उसी तरीके से फोर लॉक आगे वाले लॉक, एलओसी के लॉक माने बाल होता है लटे, ठीक है, जुल्फ जो आगे वाली जुल्फ है उसको आप कहते हैं फोर लॉक। यह फोर हेड, फोर हेड का मतलब होता है बच्चों आगे वाला सर, जिसको आप ललाट कहते हैं, जिसको आप मस्तक कहते हैं, या जिसको आप माथा कहते हैं, माथा। तो मैंने आपको कहा कि भारत के माथे के ऊपर एक दाग, भारत के माथे पर एक दाग, देखना आप ये जो चैप्टर है बच्चों, ये महात्मा गांधी ने लिखा, और खास तौर पे देखो ये जो एम के गांधी, इनका पूरा नाम समझे आप, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। महात्मा गांधी जो मोहनदास करमचंद गांधी है, उनका गुजरात के पोरबंदर नाम के स्थान पर जन्म हुआ था। और महात्मा गांधी को आप कहते हो द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है, साबरमती का संत कहा जाता है, और महात्मा गांधी को कहा जाता है फादर ऑफ नेशन, यानी हमारे राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। देखो बच्चों लास्ट में आ रहा हूं मैं, सबसे पहले अबाउट द एशे समझा रहा हूं आपको, अंत में आ जाइए आप। अबाउट द एशे माने इस एशे के बारे में या इस निबंध के बारे में क्या लिखा, देखो इन दिस स्टिम्युलेटिंग आर्टिकल, इस स्टिम्युलेट करने वाले लेख में, देखो बच्चों आर्टिकल अग्र शब्द होते हैं, ए एंड को हिंदी में अग्र शब्द कहते हैं, आर्टिकल पैक योर आर्टिकल्स, आपका जितना भी सामान उसको पैक कीजिए। और तीसरा आर्टिकल का मतलब क्या होता है, ये जो संविधान नहीं होता अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आर्टिकल फला फला के तहत, इसका मतलब जो संविधान की धाराएं हैं उनको आप अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं, परंतु अखबार के अंदर जो लेख छपते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज आर्टिकल्स। तो देखो जो इन दिस स्टिम्युलेटिंग आर्टिकल, यानी इस उत्तेजक लेख में, इस उत्तेजित करने वाले लेख में, स्टिम्युलेटिंग का मतलब एक्साइटिंग, जो हमको एक्साइट करता है, इस उत्तेजक लेख में गांधी टॉक्स अबाउट, देखो बच्चों मैंने कहा कि टॉक अपने बात टू लेता है, कभी कभी अबाउट भी लेता है, देखो क्या शब्द बोला मैंने, टॉक, टॉक टू बिल्कुल सही, और कभी कभी टॉक अबाउट ये भी बिल्कुल सही, ठीक है बच्चों। इधर देखो आप, लेकिन डिस्कस, नीचे देखना, डिस्कस अबाउट बिल्कुल गलत, दरअसल डिस्कस के बाद में अबाउट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक शब्द वर्ब हो देखो बच्चों डिस्क्राइब, डिस्क्राइब के बाद में अबाउट का प्रयोग करना सर्वथा गलत माना जाता है, ये भी गलत। टॉक टू बिल्कुल सही, टॉक अबाउट बिल्कुल सही, लेकिन डिस्कस अबाउट गलत और डिस्क्राइब अबाउट गलत। जैसे ही डिस्क्राइब अबाउट द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसने कंप्यूटर के ऑपरेशन के बारे में डिस्क्राइब किया, या जो डिस्क्राइब के बाद में बच्चों अबाउट शब्द का प्रयोग हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है। वी डिस्कस्ड अबाउट पॉलिटिक्स, हमने राजनीति के बारे में चर्चा की, या डिस्कस के बाद में जो अबाउट आ रहा बिल्कुल गलत आ रहा है। आई एम टॉकिंग विद यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं, या जो विद आ रहा है बिल्कुल गलत आ रहा है, शुद्ध क्या होगा, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ए स्टैंड ऑन इंडिया फॉर हेड, मैं भारत माता के मस्तक के ऊपर लगे हुए एक दाग के बारे में बातें कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, टॉक अबाउट बिल्कुल सही होता है, टॉक टू बिल्कुल सही होता है। तो इन दिस स्टिम्युलेटिंग आर्टिकल, इस स्टिम्युलेट करने वाले, इस उत्तेजित करने वाले लेख में गांधी टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी, महात्मा गांधी अनटचेबिलिटी की समस्या के बारे में बातें करते हैं, उसके बारे में विमर्श करते हैं। महात्मा गांधी अस्पृश्यता की, जो अस्पृश्यता या जो छुआछूत की समस्या है, तू नीचा है मैं ऊंचा हूं, ये ब्राह्मण एक क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, तो द कंडीशन ऑफ द शूद्राज, शूद्रों की जो बड़ी दरिद्र स्थिति है, उस स्थिति के ऊपर महात्मा गांधी ने प्रकाश डाला है। और महात्मा गांधी ने यह बताया है कि जो शूद्र लोग होते हैं ना, एक्चुअली उनको हमारे समाज से बहिष्कृत सदस्य नहीं मानना चाहिए, दे शुड नॉट, दे ऑट नॉट टू बी कंसिडर्ड
as the boycotted members of our society, but they are also the respectable members of our society. Hamara jo Hindu samaj hai, unke wo bhi sammaniya sadasya hain. Kaise sadasya hain? Sammaniya sadasya hain. There is no difference between a man and another. Ek aadmi tatha dusre aadmi ke beech mein koi fark nahi hota hai. Insaan se insaan ka wo bhaichara. Is tarike ka jo paigham hai, wo Gandhi ji ne is chapter ke madhyam se diya hai. Gandhi ji talks about the untouchability. Mahatma Gandhi untouchability ke bare mein baatein karte hain, aspraschyata ke bare mein baatein karte hain. अस्पृश्यता पाप है, अपराध है, असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. विच ही सीज, जिसको वो देखते हैं. किसको देखते हैं? महात्मा गांधी अछूत को देखते हैं. महात्मा गांधी अस्पृश्यता को देखते हैं. किसके रूप में? विच ही सीज इज द ग्रेटेस्ट स्टिग्मा ऑफ द इंडियन सोशल फैब्रिक थे, यानी जो भारतीय सामाजिक ढांचा है, उस भारतीय सामाजिक ढांचे के ऊपर महात्मा गांधी इसको क्या देखते हैं? ग्रेटेस्ट स्टिग्मा. स्टिग्मा का मतलब भी स्टेन ही होता है, अर्थात छुआछूत को महात्मा गांधी भारतीय सामाजिक ढांचे के ऊपर एक बहुत बड़े दाग के रूप में देखते हैं, एक बहुत बड़े धब्बे के रूप में देखते हैं. अनडिनाइबल स्टैन, महात्मा गांधी कहते हैं कि अनडिनाइबल स्टैन है. क्या है ये अनडिनाइबल स्टैन? का मतलब एक सुस्पष्ट धब्बा है. अनडिनाइ, डिनाई का मतलब मना करना, डिनाइबल जिसके लिए मना किया जा सकता है, और अनडिनाइबल का मतलब ऐसा खुलासा, इतना साफ साफ कि आप उसको छुपा भी नहीं सकते हैं. अनडिनाइबल स्टैन महात्मा गांधी इसको बताते हैं, एक सुस्पष्ट धब्बा ऑन इट्स कलेक्टिव कैरेक्टर, यानी भारत का जो सामूहिक चरित्र है, भारत का जो सामूहिक चरित्र है, सामुदायिक चरित्र है, उस सामुदायिक चरित्र के ऊपर महात्मा गांधी ने जाति प्रथा को, खासतौर पर छुआछूत को एक धब्बा माना, एक दाग माना. नेक्स्ट देखना, ही साउंड्स ए नोट ऑफ वार्निंग. महात्मा गांधी ये वार्निंग देते हैं. ही साउंड्स, महात्मा गांधी वॉर्न्स अस, महात्मा गांधी हमको चेतावनी देते हैं, हमको आगाह करते हैं. किसके बारे में? दैट अनलेस हिंदुइज्म डिस्ट्रॉयज दैट सरपेंट, कि अगर हिंदुत्व इस सांप को नष्ट नहीं करता है, इस छुआछूत रूपी सांप को अगर हिंदुत्व नष्ट नहीं करता है, तो इट विल इटसेल्फ वन डे बी डिस्ट्रॉयड बाय दिस प्रॉब्लम. तो एक दिन स्वयं हिंदुत्व इस समस्या के द्वारा स्वयं नष्ट कर दिया जाएगा. देखो बच्चों, महात्मा गांधी हमको इस बात की वार्निंग देते हैं, इस बात के लिए हमको आगाह करते हैं, हमको सावचेत करते हैं कि अनलेस वी डिस्ट्रॉयड दिस सरपेंट, अगर हम इस सरपेंट को, कौन सा सरपेंट? ये जो छुआछूत रूपी सरपेंट है, सरपेंट यानी सांप होता है, स्नेक, ठीक है? तो ये जो जहरीला सांप है, ये जो छुआछूत का जहरीला सांप है, अगर हम इसको समय रहते नष्ट नहीं करेंगे, तो ये छुआछूत रूपी जहरीला सांप हमको नष्ट कर देगा, हमारे वतन को नष्ट कर देगा, हमारे मुल्क को नष्ट कर देगा. आगे देखना, गांधी जी पॉइंट्स आउट दैट द सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम वाज ओरिजिनली मेंट ओनली फॉर द डिविजन ऑफ लेबर. महात्मा गांधी ने कहा, ये जो कुछ लोग हैं जो वर्णाश्रम का हवाला देंगे, कहते हैं कि साहब वेदों में लिखा हुआ है कि जो भगवान है उनके ऊपर वाले पार्ट से ब्राह्मण पैदा हुए, और ये छाती वाला पार्ट इधर से क्षत्रिय पैदा हुए, जिनकी जिम्मेदारी हमारी जो बॉर्डर्स है उनको सिक्योर करना, हमारी जो बॉर्डर्स है उनकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है. फिर जो जांघों वाला पार्ट है उधर से वैश्य पैदा हुए, और जो नीचे पांव का नीचे वाला हिस्सा उधर शूद्र प्रकट हुए. इस तरीके के जो कुतर्क लोग देते हैं, महात्मा गांधी ने इसका खंडन किया है. महात्मा गांधी ने इनको सरे से खारिज किया है कि वर्णाश्रम की व्यवस्था जो हमारे वेदों के अंदर प्रतिपादित की गई, उसका मूल उद्देश्य तो श्रम विभाजन था. उसका जो मूल उद्देश्य था, द मेन मोटो ऑफ वर्णाश्रम वॉज द डिविजन ऑफ लेबर. जो वर्णाश्रम है उसका मेन मोटो या उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो तो श्रम का विभाजन था. क्या था? श्रम का विभाजन था, ऑफ लेबर एंड रिट्रेट्स. और गांधी जी पुनः जोर देकर कहते हैं, रिट्रेट का मतलब ये है कि गांधी जी पुनः इस बात के ऊपर जोर देकर कहते हैं दैट शनिंग गार्बेज कलेक्टर्स, कि ये जो अस्पृश्य लोग हैं, शनिंग का मतलब जो अस्पृश्य लोग हैं, गार्बेज कलेक्टर्स का मतलब जो कचरा बीनने वाले, कचरे के संग्राहक जो अस्पृश्य लोग हैं, एंड स्केवेंजर्स, और ये जो झाड़ू बिरादरी के लोग हैं, स्केवेंजर्स का मतलब झाड़ू लगाने वाले लोग, जो झाड़ू बिरादरी के लोग हैं, ऑन द ग्राउंड, यानी जमीन पर, दैट दे आर बिलो अदर्स. हम ये मानते हैं कि ये दूसरे लोगों से नीचे हैं. हमारा ये मानना है कि ये दूसरे लोगों से नीचे हैं इन सोसाइटी यानी समाज में, इज अनपार्डोनेबल सिन. अगर हम ऐसा मानते हैं तो ये एक अक्षम्य अपराध है. यानी झाड़ू लगाने वाला आदमी, झाड़ू बिरादरी का आदमी, कचरा संग्राहक आदमी, कचरे को संग्रह करने वाला आदमी, या किसी भी अस्पृश्य आदमी को अगर ऐसा माना जाता है कि किसी इंसान से नीचे है, एक इंसान को अगर दूसरे इंसान से नीचे माना जाता है, तो महात्मा गांधी ने कहा दिस इज एन अनपार्डोनेबल सिन. ये कैसा सिन है? ये एक अक्षम्य अपराध है. ये एक अक्षम्य अपराध है जिसको ईश्वर कभी क्षमा नहीं करेगा. गांधी शोज इज डिटर्मिनेशन टू फाइट दिस सोशल एविल. और गांधी जी अपना संकल्प प्रदर्शित करते हैं कि वो इस कुरीति से जूझेंगे, इस कुरीति से युद्ध करेंगे. बाकी बात बच्चों 2 मिनट का इंटरवल लेने के बाद.
शोज गांधी जी प्रदर्शित करते हैं, गांधी जी डिस्प्लेज डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले जानते हो मोबाइल के ऊपर डिस्प्ले होता है, शो प्रदर्शित करना, किसी चीज को प्रदर्शित किया जाता है उसको शो बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेट भी कहते हैं बच्चों, डेमोन्स्ट्रेट, डेमो कहते हो आप, सर आपको कई बार डेमो देते हैं, डेमो लेके देख लो, इसका मतलब प्रदर्शन जो होता है, एग्जिबिट, एग्जिबिशन होता है प्रदर्शनी। तो आप देख रहे हैं हाउ मेनी सिनोनिम्स आर देयर, एग्जिबिट कह सकते हैं, डिस्प्ले कह सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कह सकते हैं, शो कह सकते हैं, ऑल आर सिनोनिम्स, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। गांधी शोज हिज डिटर्मिनेशन, गांधी जी अपना निश्चय, अपना रिजोल्यूशन, अपना संकल्प प्रदर्शित करते हैं टू फाइट, टू माने के लिए, टू फाइट दिस सोशल एविल, इस सामाजिक कुरीति से लड़ने के लिए, इस सामाजिक बुराई से जूझने के लिए गांधी जी अपना संकल्प या जो अपना दृढ़ निश्चय है उसको प्रदर्शित करते हैं। बहुत पहले बताया बच्चों आपको मैंने, फर्म फेथ कैन मूव इवन माउंटेन्स, दृढ़ निश्चय पर्वतों को भी हिला सकता है। तिनकर ने इस बात को यूं कहा जी, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, तो फर्म फेथ कैन मूव इवन माउंटेन्स, जो दृढ़ निश्चय है वो माउंटेन्स को यानी पहाड़ों को भी हिला सकता है। होना चाहिए आपके अंदर क्या, दृढ़ निश्चय। एक माउंटेन मैन के नाम से एक व्यक्ति है दशरथ मांझी, उनके बारे में आप अपने सर से चर्चा करके जानिए क्यों उनको माउंटेन मैन कहा जाता है, क्यों उनको जो है एक पर्वत पुरुष के नाम से जाना जाता है, और कितने सालों के बाद में उन्होंने पहाड़ को चीर करके रास्ता बनाया, क्योंकि उनकी पत्नी बीमार थी और सभी रहते उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज वो अवेलेबल नहीं हो सकी, कारण था रास्ते में पहाड़ था, वो बिहार के रहने वाले हैं, और उन्होंने पहाड़ को चीर करके कई सालों के बाद में रास्ता बनाया, उसके बारे में आप अपने सर से जानकारी लेना। द ऑथर ऑफ ऐसे एम के गांधी, इस निबंध के जो लेखक है महात्मा गांधी, इज पॉपुलरली नोन एज बापू, मैं बहुत पहले कह चुका हूं उनको बापू कहते हैं, उनको साबरमती का संत कहते हैं, उनको हमारा राष्ट्रपिता कहते हैं। महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी इज अदरवाइज नोन एज बापू, एंड महात्मा गांधी इज अदरवाइज नोन एज द सेंट ऑफ साबरमती, ठीक है, उनको साबरमती का संत कहते हैं, उनको साबरमती का संत कहते हैं, एंड द सेंट ऑफ पौंडीचेरी। और जो अरविंद घोष है, महर्षि अरविंद घोष, जिनको अंग्रेजी में ओरोबिंदो कहते हैं, ही इज नोन एज द सेंट ऑफ पौंडीचेरी, उनको पौंडीचेरी का संत कहते हैं। ओके, द फादर ऑफ नेशन, आगे लिखा है द फादर ऑफ नेशन दैट इज इंडिया। ये जो बच्चों आई ई लिखा हुआ है ना, इसको मैं समझा देता हूँ, ये गणित का शब्द है। वैसे कई बार अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम में जब आप गणित पढ़ते हो तो ये शब्द आप लिखा हुआ देखते हो आई ई, ये आई को हम कहते हैं दैट इज, हिंदी में कहते हैं अर्थात, परंतु वास्तव में इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये नहीं है। इसकी जो फुल फॉर्म है मैं बताता हूं आपको, ये बच्चों देखो आई डी और ई एस टी, ये लेटिन का शब्द है इडेस्ट, आई डी ई एस टी, इडेस्ट जो होता है इड एस्ट, इसको आप बोलते हैं दैट इज अर्थात। आप जो अर्थात बोलते हो, जो दैट इज बोलते हो, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट फुल फॉर्म ऑफ दिस वर्ड। ये जो वर्ड है, ये जो शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म होती है इडेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्थात। क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में इसको, कहते हैं अर्थात। तो देखो फादर ऑफ नेशन दैट इज इंडिया, वो हमारे राष्ट्र के निर्माता है, अर्थात भारत के निर्माता है, वो सॉरी हमारे राष्ट्रपिता है। किसके पिता है? वो हमारे राष्ट्र के पिता, अर्थात भारत के जनक या भारत के पिता के नाम से उनको जाना जाता है। तो इस तरीके से बच्चों अबाउट द एशे, एशे के बारे में जो जानकारी थी वो मैंने आपको दी। अब मैं पहले पैराग्राफ पे आ रहा हूं, देखना, दैट द अनटचेबिलिटी, दैट द अनटचेबल्स आर ए सेपरेट क्लास इज अ ब्लॉट ऑन इंडियाज फॉरहेड, दैट से स्टार्ट हो रहा सेंटेंस, और दैट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, की, बताया आपको। जैसे रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, नम्र निवेदन है कि आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल टूडे, मैं बीमार हूं इसलिए आज मैं स्कूल नहीं आ सकता हूं। देखो बच्चों मैंने स्कूल बोला, मैंने द स्कूल नहीं बोला। डू यू रिमेम्बर, आपको याद है कि स्कूल का, स्कूल से पहले अगर आपने द का प्रयोग किया, इट मींस यू आर नाइदर ए स्टूडेंट नोर ए टीचर, इसका मतलब न तो आप स्टूडेंट और न टीचर हैं, बल्कि आपके लिए स्कूल क्या है, विद्या का मंदिर नहीं है, ठीक है। स्कूल इज नॉट ए, स्कूल इज नॉट ए श्राइन ऑफ एजुकेशन, स्कूल इज नॉट ए टेम्पल ऑफ एजुकेशन फॉर यू, बट इट इज ओनली अ बिल्डिंग, लेकिन ये आपकी नजर में केवल बिल्डिंग है। मैं ये समझाना चाहता हूं कि जब स्कूल में कोई प्राइमरी पर्पस से जाता है, यानी पढ़ने या पढ़ाने, तो स्कूल की आयद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई जैसे फीस जमा कराने जाता है, अपने बच्चे की रिपोर्ट लेने जाता है, कोई अभिभावक मीटिंग में जाता है, कोई और कोई अन्य काम से जाता है, तब आपको स्कूल के पहले किसका प्रयोग करना चाहिए, द का प्रयोग करना चाहिए। द का प्रयोग सेकेंडरी पर्पज के लिए, द्वितीय उद्देश्य के लिए, गौण उद्देश्य के लिए किया जाता है, जबकि प्राइमरी पर्पज है। स्कूल बनाए क्यों है? स्कूल इज मीट फॉर एजुकेशन, स्कूल इज मीट फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन। स्कूल जो है वो तो शिक्षा प्रदान करने के लिए अभिप्रेत है, और
और अगर आप उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जाते हैं तो आपको स्कूल के पहले क्या नहीं लगाना चाहिए, डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगाना चाहिए, और भी कई शब्द बताए थे मैंने, आप याद कर लो, दैट किसे स्टार्ट हो रहा है बच्चों। ये वाक्य थोड़ा नायाब है, ये नायाब इसलिए है क्योंकि कहते छोटा की मात्रा लगाओ कि, ऐसा कोई वाक्य आपने नहीं देखा होगा अभी तक जो कि से शुरू हो पर ये हो रहा है। आपको नियम याद है, मैंने कहा था अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई क्लोज हो, मैंने कहा था किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई फ्रेज हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात है, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई क्लोज है या फ्रेज है तो दैट शैल ऑलवेज बी कंसिडर टू बी सिंगुलर, तो बच्चों उसको हमेशा एक वचन माना जाना चाहिए और उसके बाद में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। समझ में आ रहा है? देखना, देयर द अनटचेबल्स आर ए सेपरेट क्लास, कि अछूत लोग एक पृथक वर्ग हैं, कि अछूत लोग एक पृथक वर्ग हैं, ये जा रहा है, इस चीज को अंडरलाइन करो। यहां आर क्यों नहीं आ रहा है? यहां आर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट पता क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है देयर द अनटचेबल्स आर ए सेपरेट क्लास, ये पूरा का पूरा इस वाक्य का कर्ता है, यानी इस वाक्य का कर्ता एक शब्द नहीं है बल्कि शब्द समूह है, और एक ऐसा शब्द समूह जिसमें एक फाइनाइट वर्ब भी है, इसलिए इसको क्या माना जाए, इसको फ्रेज नहीं माना जाए, इसे वाक्यांश नहीं माना जाए, इसको क्लॉज माना जाए, इसको उपवाक्य माना जाए। और याद रखो अगर किसी वाक्य का कर्ता कोई उपवाक्य होता है तो बच्चों को हमेशा एक वचन माना जाता है तथा अपने लिए एक वचन क्रिया लेता है। समझ में आ रहा है? और एक बात और समझ लें आप कि दैट से अगर कोई क्लोज स्टार्ट होता है तो दैट हमेशा बच्चों कौन सा कंजंक्शन है, देखो अभी से आप इन चीजों को थोड़ा दिमाग में बैठा लो कि दैट जो है एक सबोर्डिनेट कंजंक्शन है। क्या बोला बच्चों मैंने? देखो सबोर्डिनेट कंजंक्शन है, दैट एक सबोर्डिनेट कंजंक्शन है, और हिंदी में दैट का मतलब की होता है, दैट माने वह नहीं होता, दैट माने उस नहीं होता, होता है बट इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के सेंस में उस होता है, वह होता है, परंतु यहां दैट का मतलब क्या है, यहां दैट का मतलब की है, दैट एक सबोर्डिनेट कंजंक्शन है, और दैट का मतलब बच्चों हिंदी में क्या होता है बताओ, दैट का मतलब हिंदी में की होता है। और जब आप दैट की सहायता से दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जब आप दैट की सहायता से दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो बच्चों जब आप उसका हिंदी अनुवाद करोगे तो बीच में की जरूर भूलेगा। और याद रखो अगर किसी हिंदी के वाक्य के बीच में की बुल रहा है, ध्वनित हो रहा है, तो हिंदी का वह वाक्य हमेशा मिश्र वाक्य कहलाता है, और अंग्रेजी में ऐसे वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। मेरे गुरु ने कहा था कि तेरा वक्त बदलने वाला है, की आ गया बीच में, मेरे गुरु ने कहा था कि तेरा वक्त बदलने वाला है, माय मेंटोर टोल्ड मी दैट माय टाइम वाज गोइंग टू चेंज, यह दैट आ रहा है और हिंदी में की आ रहा है, मेरे गुरु ने कहा था कि तेरा वक्त बदलने वाला है, यह वाक्य बच्चों हिंदी में मिश्र वाक्य कहलाएगा। और जब मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, माय मेंटोर टोल्ड मी दैट माय टाइम वाज गोइंग टू चेंज, मैंने जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो अंग्रेजी में यह वाक्य क्या कहलाएगा, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा दर्शक इसलिए क्योंकि दैट एक सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है, और बच्चों जब कोई सबॉर्डिनेट कंजंक्शन और भी होते हैं, इसको दिमाग में रखो, पहले मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा तो आप समझेंगे, जब कोई सबॉर्डिनेट कंजंक्शन दो सिंपल सेंटेंसेस को या दो क्लाउजेज को कनेक्ट करता है तो एक लार्जर सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, दो छोटे छोटी चीजों को मिलाओगे तो बड़ी चीज तो बनेगी, दो स्मॉल सेंटेंसेस को या दो क्लाउजेज को जब किसी सबॉर्डिनेट कंजंक्शन खासतौर पे दैट की सहायता से जोड़ा जाता है तो एक लार्जर सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट लार्जर सेंटेंस इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन इंग्लिश एंड मिश्र वाक्य इन हिंदी, हिंदी में उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, मैंने आपको कहा कि चूंकि मैं अभी व्यस्त हूं, सिंस आई एम बिजी नाउ आई कांट हेल्प यू, चूंकि आ गया, चूंकि मैं आप देख रहे हो कि आ रहा है ना, ये मिश्र वाक्य है। हम भोजन खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, ताकि में क्या आ गया, ताकि की छोटी आ गई ना, ये मिश्र वाक्य है। अंग्रेजी में आप अनुवाद करोगे तो सब चीजें ये क्यों आएगी, सिंस आई एम बिजी आई कांट हेल्प यू, वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी ईट सो दैट वी मे लिव। उसी तरीके सुनो, ऑल्दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है, ही हेल्प्स अदर्स, वह दूसरों को सहायता करता, हालांकि में क्या आ गया बच्चों, की छोटाई की मात्रा आ गई ना, तो हिंदी अनुवाद अगर आपको पकड़ में आ गया तो आपको इसको मिश्र वाक्य कहना चाहिए, और अगर अंग्रेजी में आ रहा तो इसको क्या कहेंगे आप, इसको अंग्रेजी में आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। और सुनो, दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट, ये सवाल इतना मुश्किल है कि आ गया, ये सवाल इतना मुश्किल है कि मैं इसको हल नहीं कर सकता। एक बात और अच्छे समझ लेना बच्चों,
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हुआ प्रत्येक वाक्य कॉम्प्लेक्स होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हुआ प्रत्येक सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, केवल एक नहीं होता, कौन सा, जिसको आप टू से जोड़ते हो। जैसे द कमांडर सेड अटैक द एनिमी और आपने कहा द कमांडर ऑर्डर टू अटैक द एनिमी, टू से जोड़ा, इस वाले को छोड़ दो, जहां आप टू से जोड़ते हो ये वाला जो पार्ट होता है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं होता है। इसके अलावा जितने भी सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किए जाएंगे बिना देखे बिना सोचे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भर दो, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही निष्कर्ष है, मेरे अनुभव का निष्कर्ष। आगे चलना, देयर द अनटचेबल्स आर ए सेपरेट क्लास, कि जो अछूत लोग होते हैं एक पृथक वर्ग, इज अ ब्लॉट, इट इज अ स्टिग्मा, इट इज अ स्टिग्मा, इट इज अ स्टैन ऑन इंडियाज फॉरहेड, ये भारत के माथे के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है बच्चों, कि अछूत लोग एक अलग जात है, कि अछूत लोग एक पृथक बिरादरी है, ऐसा मानना भारत के माथे के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। द कास्ट सिस्टम इज अ हिंड्रांस, जाति प्रथा एक बहुत बड़ी रुकावट है, जानते हो हिंड्रांस, हिंड्रांस का मतलब होता है हिंडर, हिंडर शब्द जो वर्ब है बच्चों इसका मीनिंग होता है बाधा डालना, डिस्टर्ब करना, और हिंड्रांस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। ये जो डिस्टर्बेंस शब्द है ना बच्चों, इसका मीनिंग आपको समझाता हूं, देखो डी आई एस टी यू आर बी ए एन सी, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों विक्षोभ, क्या बोलते हैं, भूगोल का शब्द, मैं कहता हूं प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे विक्षुब्ध न करें, और पश्चिमी विक्षोभ होते हैं जिनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहा जाता है, भूगोल की बात है, भूगोल वाले सर जो है ये आपको बताएंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब होता है जो क्या बोलते हैं उसको पश्चिमी विक्षोभ, तो डिस्टर्बेंस को एकदम क्या बोला मैंने, विक्षोभ बोला। अच्छा जो डिस्टर्बेंस है इसी को मैंने हिंड्रांस कहा, यानी जाति प्रथा एक प्रकार की रुकावट है, नॉट ए सिन, लेकिन याद रखो जाति प्रथा बेशक एक रुकावट है परंतु ये पाप नहीं है, परंतु ये गुनाह नहीं है, जाति प्रथा एक रुकावट है परंतु ये पाप नहीं है, बट अनटचेबिलिटी इज ए सिन, लेकिन छुआछूत, लेकिन अस्पृश्यता एक बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अस्पृश्यता एक बहुत बड़ा पाप है, ग्रेट क्राइम, ये बहुत बड़ा अपराध है बच्चों, पाप है, अपराध है, असंवैधानिक है, इस तरीके से किताबों के पीछे लिखा रहता है, अस्पृश्यता पाप है, अपराध है, असंवैधानिक है ना, तो इसमें बताया कि बट अनटचेबिलिटी इज ए सिन, अ ग्रेट क्राइम, लेकिन अस्पृश्यता एक पाप है, एक बहुत बड़ा अपराध है, एंड इफ हिंदुइज्म डज नॉट डिस्ट्रॉय दिस सर्पेंट, और अगर हिंदुत्व इस सर्प को नष्ट नहीं करता है, और अगर इस छुआछूत या अस्पृश्यता के सर्प को हिंदुत्व नष्ट नहीं करता है तो क्या होगा, वाइल देयर इज यट टाइम, समय रहते, अंडरलाइन कर लो बच्चों, वाइल देयर इज यट टाइम का मतलब होता है समय रहते, और अगर हिंदुत्व या हिंदू धर्म के जो लोग हैं, हिंदू धर्म के जो पहरेदार हैं, वो समय रहते अगर इस सांप को नष्ट नहीं करेंगे, इट विल बी डिवोर्ड, तो ये जो हिंदू धर्म है ना ये निगल लिया जाएगा। इट का प्रयोग जो है किसके लिए हुआ है, इट ईयर स्टैंड फॉर हिंदुइज्म, तो हिंदुइज्म विल बी डिस्ट्रॉयड, सॉरी हिंदुइज्म विल बी डिवोर्ड बाय इट, तो क्या होगा, हिंदुत्व को इसके द्वारा निगल लिया जाएगा। अगर हिंदुत्व ने समय रहते इस छुआछूत के सांप को नष्ट नहीं किया तो क्या होगा, तो ये होगा कि सांप के द्वारा स्वयं हिंदुत्व को एक दिन निगल लिया जाएगा। द अनटचेबल्स मस्ट नॉट बी कंसीडर्ड इज फॉलिंग आउटसाइड हिंदुइज्म, देखो फॉलिंग आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की श्रेणी में, अछूत लोगों को हिंदुत्व की जद से बाहर की श्रेणी में नहीं माना जाना चाहिए, अछूतों को हिंदुत्व की जद या हिंदुत्व की जो हद है उसके बाहर, उसकी सीमाओं से बाहर की श्रेणी में नहीं माना जाना चाहिए, दे शुड बी ट्रीटेड, उनको माना जाना चाहिए एज रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ हिंदू सोसाइटी, उनको हिंदू समाज के सम्मानीय सदस्य माना जाना चाहिए, एंड शुड बी असाइंड, एंड दे शुड बी डिसाइडेड देयर वर्णास अकॉर्डिंग टू देयर वोकेशंस, और उनका जो बच्चों वर्ण है वह उनके व्यवसाय के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए, एंड देयर वर्णास शुड बी असाइंड, और देयर वर्णास शुड बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन, अकॉर्डिंग टू देयर वोकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर जॉब, उनका जो जॉब है उसके आधार पर उनके वर्ण को तय किया जाना चाहिए, क्योंकि एक शूद्र जाति का जो व्यक्ति है, शूद्र वर्ण में जन्मा हुआ व्यक्ति अगर अध्यापन का कार्य कर रहा है तो उसको शूद्र नहीं माना जा सकता, उसको शूद्र नहीं माना जा सकता। उसी प्रकार से ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अगर बहुत ही घटिया काम कर रहा है, मदिरा पान करता है, तो ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। यह बताया गया है कि जन्म ते जायते शूद्रे, जन्म से आदमी शूद्र होता है, जन्म से आदमी शूद्र होता है और कर्म से उसकी जात तय होती है, ऐसा महात्मा गांधी शायद जो अपने धर्म ग्रंथों का सार है वो इस पाठ के अंदर कह रहे हैं। तो बच्चों आज की बात यहीं समाप्त, बाकी अगली क्लास में, नमस्कार।